नमस्कार, मैं हूं सीमा संजय और आप देख रहे हैं मेरे साथ जिले का सबसे तेजी से बढ़ता वेब चैनल जांजगीर एक्सप्रेस 07। आज हम आपको लेके चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। समाचार देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चेंबर का प्रतिनिधि मंडल 16 जुलाई को मिला भारतीय स्टेट बैंक शक्ति के शाखा प्रबंधक से। शाखा प्रबंधक ने शीघ्र ही समस्याओं के निराकरण का दिया आश्वासन। शक्ति शहर के भारतीय स्टेट बैंक में आए दिन व्यापारियों को लेन देन के दौरान होने वाली समस्याओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रांतीय उप अध्यक्ष जगदीश पंसल के नेतृत्व में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल में आज 16 जुलाई को बैंक के शाखा प्रबंधक से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने शाखा प्रबंधक को बताया कि बैंक में विगत महीनों छोटे बड़े व्यापारियों को होने वाली समस्याओं को देखते हुए एक अलग से पृथक व्यापारी काउंटर बनाया गया था, जिसे बैंक द्वारा पुनः बंद कर दिया गया है, जिससे व्यापारियों को दिक्कतें हो रही हैं एवं भारतीय स्टेट बैंक में कुछ काउंटर पर बैठने वाले कर्मचारियों द्वारा बैंक में आने वाले खाता धारकों से दुर्व्यवहार भी किया जाता है, जिसके चलते बैंक खाता धारक अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं एवं ऐसे कर्मचारियों का यथाशीघ्र बैंक से स्थानांतरण किया जाए। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय स्टेट बैंक में व्यापारियों से संबंधित अनेकों समस्याओं पर प्रकाश डाला, जिस पर SBI के शाखा प्रबंधक ने विस्तार पूर्वक प्रतिनिधि मंडल की बात सुनते हुए उन्हें बताया कि यह बैंक आप सभी के सहयोग से ही संचालित होता है एवं बैंक में आने वाले प्रत्येक ग्राहकों को अच्छी सुविधा देना हमारा प्रथम दायित्व है तथा मुझे स्वयं अभी शक्ति बैंक में केवल 15 दिन ही पद स्थापना को हुए हैं एवं मैं उसका यथाशीघ्र निराकरण हो जाए। शाखा प्रबंधक ने प्रतिनिधि मंडल की मांग पर व्यापारियों के अलग काउंटर खोले जाने की बात भी कही तथा प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान व्यापारियों ने कहा कि आए दिन बैंक में व्यापारियों को लोन इत्यादि के प्रकरणों में बैंक अधिकारियों द्वारा सहयोग नहीं किया जाता, उल्टा यह कहा जाता है कि आप हमारे बैंक से लोन न ले और बाहर किसी निजी कंपनी से लोन ले ले, जिस पर शाखा प्रबंधक ने संज्ञान देते हुए शीघ्र ही उक्त बातों पर उचित पहल करने का आश्वासन दिया। उल्लेखित हो कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा शक्ति में शक्ति शहर सहित आसपास के सभी छोटे बड़े व्यापारियों एवं हजारों लोगों द्वारा प्रतिदिन लेन देन किया जाता है तथा स्टेट बैंक में अनेकों मर्तबा खाता धारकों को मिलने वाली सुविधाओं के मामले में यहाँ का बैंक परेशानियों से भरा होता है तथा बैंक में पूर्व में पदस्थ कई कर्मचारी बैंक में आने वाले खाताधारकों को अच्छी सेवाएं देते हैं, किंतु कई बार नए पदस्थ होने वाले कर्मचारियों द्वारा खाताधारकों से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, जिससे लोग परेशान रहते हैं तथा चेंबर के प्रतिनिधि मंडल ने शाखा प्रबंधक को कहा कि शक्ति शहर के व्यापारी सदैव आपके साथ हैं, किंतु व्यापारियों को बैंक में लेन देन के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो एवं व्यापारियों को बैंक की मंशा अनुरूप मिलने वाली सारी सुविधाएं मिले, ऐसा आप प्रयास करें। 16 जुलाई को छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भारतीय स्टेट बैंक शाखा शक्ति के प्रबंधक से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल में चेंबर के प्रांतीय उपाध्यक्ष जगदीश बंसल, गल्ला किराना व्यापारी संघ शक्ति के अध्यक्ष सुनील बंसल, डॉक्टर एम सेलेक प्राइवेट लिमिटेड के मुकेश अग्रवाल, ओम ज्वेलर्स एंड मेटल के हरि ओम अग्रवाल, अनिल दरियानी, बालाजी ट्रेडर्स के घनश्याम अग्रवाल, पप्पू अतीश अग्रवाल, कन्हैया गोयल, जिंदल टेलीकॉम के प्रतीक जिंदल, बजरंग अग्रवाल चिंटू, राजीव अग्रवाल आर के सहित काफी संख्या में व्यापारी बंधु उपस्थित रहे। जांजगीर एक्सप्रेस 07 शक्ति से संवाददाता उत्तम अग्रवाल की रिपोर्ट।